student today just start new topic online classes. This topic is a very very important. Students be careful and requested point is student please video like share subscribe and bell icon press. Students on board write the important topic. This topic is collected and CRT book according. Students be careful and request to students to see on boards and start the video. Neil Bohr's explained the stability of atom. Yani Neil Bohr's explained the stability of atom. आज हम जो है नील बोर के एटम के स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे उन्होंने क्या कहा. यह जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा. द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वनली. यानी यह न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इवॉल्व करता है. ये रहा ओके. सेकंड ऑर्बिटल्स यानी इसको उन्होंने कहा कि ये जो है ऑर्बिटल होते हैं जो वेरियस टाइप्स के होते हैं और उनकी एनर्जी लेवल वेरियर होती है. अदर ऑर्बिटल हैविंग द डिफरेंट रेडियस यानी प्रत्येक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल वेरियर्स होते हैं और उनके रेडियस भी वेरियस होता है. पहले का सेंटर से पहले का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का रेडियस अलग होगा. इस तरह प्रत्येक ऑर्बिट का जो है ऑर्बिट्स का प्रत्येक ऑर्बिट का आपका रेडियस डिफरेंट है. बिल्कुल समझ लिए. यह न्यूक्लियस जहां पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है यह एटम का सेंटर है. एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. जिसमें चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिटल कहते हैं. और वह ऑर्बिटल्स जब सिंगल होता है तो ऑर्बिट होता है. तो सेंटर से प्रत्येक ऑर्बिटलों की जो है रेडियस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. बिल्कुल क्लियर हो गया. अगला पॉइंट है वेन एंड द इलेक्ट्रॉन इज द रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस. यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इवॉल्व करता है और वह जो है प्रत्येक प्रत्येक ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है रिवॉल्विंग वो वेरियस होती है, भिन्न भिन्न होती है. ओके. द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएटेड एनर्जी इवन थ्रू इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड दिस द न्यूक्लियस. जब एनर्जी जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं और वह एक्सेलरेटेड मोशंस के अंदर अराउंड करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक रहा. बहुत ही छोटा और कम टॉपिक रखे क्योंकि आपको अच्छे ढंग से ये पॉइंट समझ में आ सके. यह बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कहीं भी डाउट नहीं है. तो स्टूडेंट्स इन पर अब हम क्वेश्चन देंगे. उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे. तो स्टूडेंट्स टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन एक्सप्लेन द नील बोर एक्सप्लेनेटेड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टूडेंट्स प्लीज दिस क्वेश्चन सॉल्व एंड चेक द सून. ओके थैंक्स.